मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे अच्छी तरह पता हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं निक। क्या हुआ? बस बस बस, तेरे साथ ऐसा होगा तूने सोचा नहीं था ना? सेठ शट अप। तुझे क्या लगा तू मुझे पुलिस के हाथों पकड़वाएगा और तू बच जाएगा? इतनी हिम्मत आ गई तेरे में? सेठ तुम्हें गलतफहमी हो रही है, दरअसल शट अप धोखेबाज, शट अप। देखो मेरी बात, अपना ये साम्राज्य खड़ा करने के लिए मैंने अपनी नींदे हराम कर दी और तूने उसे एक पल में मिटाने की कोशिश की? सेठ मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ हुई है तुझे पहचानने में। ये सुन, इसके बारे में तू क्या कहेगा? हे ब्रिक्स, एक ही बोल रहा हूँ। सुनने में आया कि सेठ ने 200 किलो के माल की डिलीवरी ली है और वो माल उसने क्लब में रखा है। सोचो अगर वो माल के साथ पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 सेठ, सेठ ये सच नहीं है सेठ, ये उस ब्रिक्स की चाल है। धोखेबाज तो वो है, वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। मेरा यकीन करो। काश तू ऐसा ना करता। तूने मुझसे गद्दारी की साले। मैंने तुझ पर भरोसा किया, मैंने तुझे अपने यहाँ काम पर रखा और तूने मुझे ये सिला दिया। निके, निके। ब्रिक्स साले हरामी। देख मेरी तुझसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ये बिजनेस है। चलता हूं मैं। तू तो गया। सेठ प्लीज, सेठ देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। मैं ये शहर छोड़ दूंगा, मेरी पत्नी है, दो बच्चे हैं, उन पर रहम खाओ सेठ, मुझे छोड़ दो प्लीज। क्वाइट बेबी। निक, मैंने कई बार अखबार में पढ़ा है बुल शॉक के बारे में। वो बहुत बड़े होते हैं, वो अपने शिकार को कोसों मील दूर से भी सूंघ लेते हैं, हमेशा खाने की तलाश में रहते हैं। अब तुम ही सोचो, एक भूखा जानवर जिंदा रहने के लिए और कर भी क्या सकता है? मुझे छोड़ दो सेठ, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। सीमेंट ब्लॉक्स बहुत खूब, मुझे पसंद है। निकी, आखिरी बार जिसे याद करना है कर ले। देखो ऐसा मत करो सेठ, प्लीज सेठ मुझे माफ कर दो। नहीं,
गया इसे? मजा आ गया। ये कैसा मजाक है? मैं बस अपने ड्रामा के लिए प्रैक्टिस कर रही थी डैड। अच्छा किया ना तुमने, तो अपनी माँ को और मुझे डरा ही दिया था। आप दोनों के चेहरे देखने लायक थे। इस हरकत की वजह से तुम एक महीने तक अपने ड्रामा क्लास में नहीं जाओगे। एक महीना? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरे ख्याल से एक महीना बहुत ज्यादा है हनी। ठीक है फिर दो हफ्ते। डील। डैडी। हनी, दो हफ्ते तो यूं ही गुजर जाएंगे। ओह माय गॉड। बिल्कुल तुम पर गई है। हे। डैडी। क्या? लगता है आपसे कोई मिलने आया है। हाय मैन, मैं आपका पड़ोसी क्ले फ्रीमैन। मैं कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं डॉन कैलिनोस्की और ये मेरे हस्बैंड बॉबी। नाइस टू मीट यू। और ये हमारी ड्रामेबाज बेटी ब्रायना। हाय मिस्टर क्ले। हे ब्रायना। हेलो। जाओ जाकर कपड़े पहन। आपका यहाँ पर स्वागत है क्ले, राइट? या। ओह थैंक्स। क्या मुझे हथौड़ा मिल सकता है? अगर आपको एतराज ना हो तो। मुझे अपना हथौड़ा नहीं मिल रहा और मेरी पत्नी जिद कर रही है कि हम शादी की तस्वीर दीवार पर पहले टांगें। क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं। ओह ये मजाक कर रहा है बॉबी। ये वाली चल जाएगी? हाँ चलेगी, शुक्रिया। और कुछ चाहिए तो बोल देना। जरूर। ठीक है ना? ये खुशी की बात है कि ये जगह बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। शहर में बहुत सॉलिड बिजनेस होगा। आज मैं और मेरी वाइफ वहाँ जा रहे हैं। तुम लोग आना चाहोगे क्या? क्या है कि मुझे घूमने फिरने का ज्यादा शौक है, स्पेशली शहरों में। कम ऑन, बहुत मजा आएगा कसम से। मैं अपनी बीवी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। हम जरूर चलेंगे। आपको याद है ना उस रात की बात? आप दोनों कभी मयान गए हैं क्या? ये कौन सी जगह? वो जगह नहीं है, क्लब है। हम वहाँ कभी नहीं। वहाँ का ओनर क्ले का सबसे बड़ा क्लाइंट है। और मेरा यकीन करो, वो क्लब बड़ा ही कमाल का है। आज हम वहाँ जाएंगे और धमाल करेंगे। ओ, क्या बात है। हनी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। I'm sorry. Hey guys, मैं गाड़ी चलाता हूँ और आप लोग पीछे आकर रोमांस करो। बड़ी बेशरम हो तुम। Hi. आपका नाम क्या है सर? Hi, my Cliffy. Hello. Cool, huh? Very cool. नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं। गालियां खाने का शौक है तो खा लो, मुझे तो नहीं। कोई परेशानी है क्या? सेठ, हे, कैसे हो यार? तुमसे मिलकर खुशी। ये सेठ है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये इसी का क्लब है। वैसे यहाँ मुझे सब जानते हैं। हेलो एलिस। हाय सेठ। प्लेजर टू सी। सेठ, ये मेरे नए पड़ोसी हैं कैलिनोस्की। ये बॉबी है और ये है डॉन। कैलिनोस्की सरनेम बड़ा ही स्टाइलिश है। थैंक्स। ये मुझे मेरे डैड से मिला। अच्छा देखो, मैं आप लोगों से बातें तो करना चाहता हूँ मगर माफ करना, मेरा जाना जरूरी है। वेटर, ये लोग मेरे खास मेहमान हैं, इनका ख्याल। थैंक्स सेठ। माय प्लेजर। एंजॉय योरसेल्फ। एक ऑर्डर देना है, मैं तुम्हें मंडे कॉल करूंगा। ओके? क्यों नहीं, जरूर। क्या बात है, हम मेहमान हैं, मतलब आज सब फ्री। याद रख, मैं समझता हूँ प्ले, दुनिया में कुछ भी फ्री।
आज नहीं तो कल डबल ही चुका। एथन, गुड। देखो मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम मेरे आने तक यहाँ का काम संभाल पाओगे? क्यों नहीं, इतना तो आप अपने भाई पर भरोसा कर ही सकते हैं, आप बेफिक्र रहिए। और कोई घटिया हरकत मत करना, सुना तुमने? ये एक बिजनेस है, तुम्हारा कोई पर्सनल अय्याशी का अड्डा नहीं है, समझे? अपने हाथों को कस्टमरों से दूर रखना। मैं समझ गया, कस्टमर से हाथ दूर रखना है, मैं समझ गया। जवानी के जोश में कभी कभार गलत कदम उठ जाता है, थोड़ा भरोसा रखिए, मैं समझ गया, ठीक है? अच्छी बात है। आई लव यू बेवकूफ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानता हूँ। तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना? बिल्कुल। गुड, मैं एक घंटे में आ रहा हूँ। वैसे एक घंटा बहुत है। कमाल की है। ओ हाँ, शराब शबाब और कबाब, एक शरीफ आदमी का और क्या चाहिए। कम ऑन, बूढ़ों की तरह बातें मत करो, तुम अभी जवान हो, जवानी के मजे लूटो। बिलीव मी, बेटी के पैदा होने के बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने अपनी बेटी के डायपर ना बदले। बच्चे बार बार पट्टी करते हैं। और क्या, आप बनोगे तो तुम्हें भी ये सब करना होगा। मैंने तो इस बारे में सोचा नहीं। ड्रिंक से मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वेल, टेबल पे मिलते हैं। ओके। I'm sorry. ओह, क्या बात है, यकीन मानो तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी हसीना से मेरी मुलाकात हुई, ये मेरी खुशनसीब है। थैंक यू। मैं इथन, इस क्लब का मालिक। तुमसे मिलकर खुशी हुई इथन। वैसे अभी मैं सेठ नाम के आदमी से मिली और उसने कहा वो इस क्लब का मालिक है। हाँ, वो मेरा भाई है और ये क्लब हम दोनों का है। वो खाने पीने पर ध्यान देता है और मैं आप जैसी मेहमानों का ख्याल रखता हूँ। खैर, अब मुझे जाना है इथन। ए बेबी, कहाँ जा रही हो? तुम मेरे क्लब में हो और मुझे पता है तुम यहाँ एंजॉय करने आई हो। आओ, मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार। हे बेबी, कम ऑन, मैं तो बस दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ। कम ऑन, क्या तुम नशा करना चाहोगी? क्या? मेरे पास एकदम मस्त माल है। क्या? नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेती। Hey baby, come on. साली छोड़ मुझे। मुझे जंगली बिल्लियां पसंद है, तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है। चल, चिल्ला मत, चल चल चुप, चल चुपचाप चल। डॉन कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो लेडीज रूम से मुझसे पहले निकली, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। चलो देख। ओके। चल, चल बोला ना, चल। जाने दो मुझे। क्या रही है? नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। डॉन, क्या तुम यहाँ हो? छोड़ दो मुझे।
आदमी ने कौन है? साले कमीने, अब तू नहीं बचेगा। हट जा, उठ हरामजादे, उठ साले। ये क्या हो? ओह शिट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो मैंने कुछ नहीं। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो बॉबी, ये ईथन है, ये सेठ का भाई है। अब पता नहीं क्या होगा, ये अच्छा नहीं हुआ। जेंटलमैन, आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गया है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब तक तो सब ठीक है, बस अब आगे से किसी को भी काम पर रखने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लो। आज तो तुम बच गए, मगर हमेशा नहीं बचोगे। मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। हाँ पता है, साले धोखेबाज। आजकल किसी पर भी भरोसा करना बेकार है। साला हरामखोर, पता नहीं अब क्या कर दिया। देखो मुझे जाना होगा, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया फिर से। ईथन, साला ये कमीना खुजली करना कभी नहीं छोड़ेगा। बस जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। बिल्कुल करूंगा। चलो ड्राइवर। देखिए डरिए मत, प्लीज बताइए क्या हुआ। क्या बताऊं? आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते सर। बिल्कुल आ सकता हूँ, मैं सेठ बॉडिस हूँ और ये मेरा क्लब है। सर प्लीज प्लीज। ये कौन है? क्या आप सेठ बॉर्डर्स हैं? हाँ, लेकिन बात क्या है? सॉरी मिस्टर बॉर्डर्स, आपका भाई नहीं रहा। इथेन, 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 तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। इथेन, 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 किसने मारा इसे? बताओ किसने मारा? सारे तुझे तो उसने पहले मुझसे कहा मैं उसके ऑफिस जाऊं और उसके साथ नशा करूं। मैंने मना कर दिया। डॉन मुझसे पहले लेडीज रूम से बाहर निकली और जब मैं टेबल पर पहुंची तो वो वहां नहीं थी। बॉबी परेशान हो गया और वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। आपने चाकू क्यों मारा? अब ये क्या कह रहे हैं? मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मुझे चाकू लेकर मारने आया। मतलब चाकू उसी का था? हाँ, ऑफ कोर्स, चाकू उसी का था। हाँ, लेकिन उसी का चाकू उसके सीने में कैसे लगा, जरा समझाएंगे? उसे आता देखकर मैं हट गया और शायद उसके हाथ में पड़ा चाकू उसे लग गया। वो एकदम पागल हो गया था। मैंने और कुछ नहीं, अपना बचाव किया। क्या आप और क्लियरली बता सकते हैं? आप ठीक से समझ नहीं रहे हैं। उसने मुझे रेप करने की कोशिश। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास गवाह है, उसने आपको खून करते देखा। अच्छा, तो मैं कहूंगा आप मुझे जबरदस्ती खूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब और कुछ पूछना बाकी है या मैं जाऊं? नहीं, बस हो गया, समझिए। वैसे आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या फिर कॉफी? मेरी बीवी कहाँ है? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, बताइए कहाँ है वो? वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है? स्टोरी मैच कर रही है, बात बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं लगता कि इसने इथन का खून किया है।
अपने बचाव में उसके हाथ से ये सब हो गया। इट्स एन एक्सीडेंट। उम्मीद करता हूँ यही सच हो। वैसे अगर इथन की मौत की वजह कोई आपसी दुश्मनी वगैरह होती तो इस केस को लेकर हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते। फिंगरप्रिंट्स चेक किया? चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो सिर्फ इथन के हैं। ओके, जाने दो इसे। ओके। ब्रिक्स। हाँ ब्रिक्स, बात क्या है? अपने बचाव में उसने ये सब किया है, और वैसे भी तुम इथन को जानते ही हो। क्या हुआ? देखो, मैं उस आदमी का बना हुआ मुंह देखना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा सुना तुमने? उस आदमी को बिल्कुल मत छोड़ना। देखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। देर हो चुकी है, हमने उसे छोड़ दिया है। तुमने उसे छोड़ा कैसे? देखो सेठ, कोई बेवकूफी मत करना। अगर उस आदमी को कुछ भी हो गया तो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सेठ, शिट, लगता है अब ये काम हमें ही करना पड़ेगा। उसे उठा ले क्या बॉस? काफी देर हो गई है, उस कमीने ब्रिक्स ने उसे छोड़ दिया। खैर, जाकर पूरे शहर में ऐलान कर दो, जो भी बॉबी को मेरे पास लेकर आएगा मैं उसे मुहमांगा इनाम दूंगा। अब ये काम कानूनी ढंग से नहीं होगा। और आपके काली दोस्त का क्या करना है? इसी की वजह से मेरे घर में मौत हुई। अगर वो बीच में पड़े तो उसे मार देना, लेकिन मुझे बॉबी कॉलिनोस्की जिंदा चाहिए। अब जाओ यहां से। चल रहा है मगर कुछ खास नहीं चल रहा। करना है मुंह मांगा इनाम के लिए, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुंह मांगा इनाम? हाँ, चलो, चलो पकड़ते हैं सारे। Manzoor samjhu. In and out, no violence attached, but I'm not to be messed with, I promise you that. Ask anyone I work with, they vouch for me. The job done every time, no doubt with me. Move to the States and I set up shop. Say my name in any state, bet they get up, watch. Out in LA, they know the man for the job. Independent, but made money. Tayar ho na. Pakka samjhu. Acha. Theek hai. Theek hai. You need to call when you need a job. I'm the one you need to call. Call when you need a job. I'm the one you need to call. ऐसे बीच में क्यों खड़े हैं? से निकलते हैं। ओ शिट। ओ शिट। ले गाड़ी घुमाओ जल्दी, हम टकरा जाएंगे बॉबी। ले तुम गाड़ी घुमा लो। ओ शिट। लॉट से ले लो। डॉन, जल्दी पुलिस को फोन करो। फोन में नेटवर्क नहीं है। एक काम करो, वो गाड़ियों के बीच पार्क कर दो। अरे तुम जा कहां रहे बॉबी?
मैं उनका ध्यान बटाता हूँ क्ले, तुम इन्हें लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन चले जाओ। नहीं बॉबी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्लीज कहा ना नहीं। ठीक है सुनो, मैं तुम्हें 7th क्रॉस रोड पे 10 मिनट में मिलता हूँ। यहाँ एक सेकंड भी मत रुकना। से ऊपर हो गए, हम बॉबी के बिना नहीं जाएंगे। ओह माय गॉड बॉबी, बॉबी, ओह माय गॉड, तुम्हें चोट लगी है? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो बस हल्की सी खरोंच है, फिक्र मत करो, रिलैक्स, हमें यहाँ से चलना होगा। क्ले एलिस, कार से बाहर निकलो। मैं अपनी कार ऐसे रास्ते में छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो इस कार को पहचानते, चलो क्ले, छोड़ो इस कार को, जल्दी चलो। मैं वापस पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। बिना चेक किए तुम लोगों को कैसे पता चला कि वो मर गया? वो काफी ऊंचाई से नीचे गिरा और शांत हो गया। ब्रेक्स, हां बोलो क्या हुआ? समझ गया, उसका पता चलते ही मुझे खबर करना। कोई भी इतनी ऊंचाई से गिरकर नहीं बच सकता है बॉस। मोटा भैंसा कहीं का, मुझे वो जिंदा चाहिए था और तूने उसे मारने की कोशिश की। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मुझे यकीन हो गया। तुम लोगों को जिंदा और मुर्दा इंसान के बीच का फर्क नहीं पता है। मार्केस, वैसे ये पता लगाना इतना मुश्किल तो नहीं, मुर्दा जिंदा, मुर्दा जिंदा, मुर्दा नहीं नहीं, हम उसे आपके पास लेकर आएंगे। जिंदा, ए
एक क्वेस्ट, मुझे तेरा जीपीएस तो दिखाना। नहीं, बड़ी मुश्किल से ये जीपीएस मैंने किसी और से उड़ाया है। अरे यार, देखा तो क्या जाएगा तेरा, कितना भाव खाता है। अरे अब बस भी करो। वैसे यार जीपीएस की जरूरत भी नहीं है, वो साला यहाँ से पैदल गया होगा, साथ में वो आइटम भी है। ज्यादा से ज्यादा कितना दूर गया होगा, दो चार सिग्नल पार किया होगा। अंधेरे में तीर मारना बंद कर। देख यार, हम सीधा सीधा चलते हैं, रास्ते पर लोग मिलेंगे, समझ रहे हैं, उनसे पूछकर उन तक पहुंचेंगे। हाँ सही है बॉस, चलो चलते। तो ठीक है, सीधा सीधा चलते हैं, चलो स्टैश। शिट, अभी तक सिग्नल नहीं मिल रहा। देखो, पुलिस स्टेशन यहाँ से दो सिग्नल की दूरी पर है, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो कोई हमें पकड़ नहीं। क्ले, इस तरफ आ जाओ, वहां तो भी कोई देख लेगा। यहाँ थोड़ा सिग्नल मिल रहा है। क्ले, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अपने हाथ ऊपर कर साले खजूर। ए मोटू, टकले को फोन करके बता कि शिकार हमारे कब्जे में है और इनाम की बात पहले ही कर लेना, समझा? हाँ समझ गया, इस बार कोई अपनी बैंड नहीं बजाएगा। और तू यहाँ क्या कर रहा है साले कालिए? हाँ, इनके साथ तुझे भी मरना है क्या? साले अपने बिरादरी का नाम खराब कर रहा है। तुझे गोरे लोग ही मिले थे दोस्ती करने के लिए? आपका टाइम खत्म हो गया है बरखुरदार। ए मोटू, तूने उस टकले से अपनी चीज की बात तो की ना? हाँ, वो सब आ रहे हैं। चीज? यानी पैसे? मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास $500 कैश हैं। सिर्फ $500? उस आदमी का तो हमें मुंह मांगा दाम मिल रहा है, लेकिन तुम इतने प्यार से $500 का ऑफर कर रहे हो तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन साथ में तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी रिंग, सब कुछ निकालो जल्दी से। और ये पोलो जैकेट है ना? अरे हाँ हाँ, ये सब फटाफट निकालो, जल्दी करो, जल्दी निकालो। और तुम क्या देख रहे हो, मुझे तुम्हारी भी चीजें निकाल कर दो, जल्दी करो। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, जो कुछ भी है, सब कुछ फटाफट निकालो। साले तू हंस क्यों रहा है बे? साले तू रोना शुरू कर देगा अगर ये गन मैं तेरे मुंह में घुसड़ दूंगा तो। आखिर तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ, मुंह मांगी कीमत। और नहीं तो क्या साले, अगर हमें पैसे लेने नहीं होते तो तुझे यहाँ पे ही ठोक देते, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? तुम लोगों के भेजे में गोबर भरा हुआ है क्या? साले अपनी जबान को लगाम दे वरना ठोक दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे और हीरे भी नहीं। हीरे? साले तू हीरो की लालच देकर हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, हीरे मेरे सॉक्स में, तभी तो सेठ मेरे पीछे लगाओ। तुझे हम बेवकूफ लगते हैं? नहीं नहीं, तुम लोग तो जीनियस हो। ठीक है, यकीन नहीं आता। ए, कोई जरूरत नहीं है, रुको, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा, बिल्कुल मत हिलना। एक वेस्ट, तुझे क्या लगता है ये हीरो के बारे में सच कह रहा है? वैसे इसकी बात मुझे तो हजम नहीं हो रही है, सोचना वैसे वक्त ऐसी जगह पर ये हीरे लेकर घूम रहा है, तुझे क्या लगता है? हाँ, हो सकता है इसके पास ही हीरे हो, अगर हमें हीरे मिल गए तो सेठ जैसे लोगों को खरीद सकते हैं। सोच लो क्या करें। चेक करते। पक्का चेक करूं? हाँ करो। ठीक है। ए शान बट्टी मत कर। ए दिखा। ले तुम गाड़ी में बैठो, चलो डाउन चलते हैं। वैसे तुमने ऐसी फाइट कहां से सीखी? क्या है कि मैं सलमान की फिल्में बहुत देखता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। क्या कर रहे हो तुम? मैं मेरी चीज ले रहा हूँ और मेरी घड़ी भी। अपने ही बिरादरी वाले को लूटने चले थे ये लोग। माना कि मैं तुमसे काला हूं लेकिन मेरी पत्नी गोरी है।
एक्सक्यूज मी, हमें इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिलना। यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, मुझसे कुछ काम है। मेरा नाम बॉबी कैलिनोस्की है। कैलिनोस्की? जी हाँ। मेरे साथ आइए। देखिए हम पर जानलेवा हमला हुआ। प्लीज आप मेरे साथ आइए। ओके, मुझे बताइए क्या बात है। सेठ बोर्डस हमें जान से मारना चाहता है। आपको मारना चाहता है वो? उसने हमें मारने का इनाम भी रखा है। आपके पास कोई सबूत है? जिन्होंने हम पर हमला किया उनसे ये बात पता चली। हमला किया? उन्होंने हम पर बंदूक ताकी थी। देखिए मैं आपका स्टेटमेंट लेने के लिए कुछ डिटेक्टिव को बुला लेता हूँ और फिर आप एक काम करते हैं, ना कोई डिटेक्टिव ना कोई स्टेटमेंट, हम घर चलते। अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। स्पेशल सर्विसेज, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा देखिए, मैं पर्सनली इस मामले की जांच करूंगा और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कम ऑन। गाड़ी खड़ी है। टैक्सी में? क्या आप हमें टैक्सी में ले जाएंगे? पुलिस कार में क्यों नहीं? माफ कीजिएगा, डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, पर फिक्र मत कीजिए, आप इसमें ज्यादा सेफ रहेंगे। कूल। इस कार्ड के पीछे मेरा पर्सनल नंबर है, जरूरत पड़ी तो फोन। थैंक यू डिटेक्टिव। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, किसी से पंगा हो गया क्या? आपको पता है ना कहाँ जाना है? यस मैडम, बिल्कुल पता है। ज्यादातर लोग नीचे से जाते हैं लेकिन मैं ऊपर से जाता हूँ क्योंकि वहाँ से थोड़ा आसान है। और वैसे भी मैं तो सामने देखकर गाड़ी चलाओगे? ओ यस सर। उम्मीद करता हूँ मेरी कार ठीक हो। ओहो, मेरी बीवी का मैसेज लग रहा है। यहाँ लेफ्ट से क्यों ले रहे? माफ कीजिएगा सर, वो क्या है कि मुझे थोड़ा पेट्रोल भरवाना है, बस 5 मिनट में रिटर्न चलेंगे सर। ये काम तुम पहले भी कर सकते थे। सर वक्त वक्त की बात है, अब क्या कर सकते हैं बताइए। मगर जरा जल्दी कर। यस सर, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करना। फिकर मत कीजिए सर, मैं यूं गया और यूं आया। और तुम्हें हल्के हल्के होना तो हो लेना। नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं अभी आया। ओह, मुसीबत फिर पीछे पड़ गई। दरवाजा लॉक करो। अब पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। बॉबी तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग गाड़ी में रहो। बोलो। कोई प्रॉब्लम है क्या तेरे को? नहीं, हम तो अपने घर जा रहे थे, शायद गलती से आपने रास्ता रोक लिया, जरा रास्ता छोड़ेंगे? लगता है तू ट्यूबलाइट है। देख तू हमारे साथ चल रहा है। देखो आप लोगों के साथ मुझे रात भर घूमने का कोई शौक नहीं, और आप लोगों के साथ मैं प्यार से पेश आया हूँ इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना सब्र खो रहा हूँ। एक सलाह देता हूँ, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने इन सड़े हुए कुत्तों को लेकर यहाँ से तफा हो जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं इन जानवरों की खाल इनके जिस्म से अलग कर दूँ। जब हमें जानवर कह दिया है तो हमारे सबसे बड़े जानवर से मिल लो। ठीक है, मिलते हैं। ये तो काला गोरिल्ला है,
ये तो वाकई बहुत बड़ा जानवर है। बहुत बड़ा है। वैसे तू इन सबको हटाकर यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सकता है। ये आइडिया पसंद नहीं है? मेरे पास एक और आइडिया। कोई भी एक हाथ चुन। क्या है, तू भूल गया हम यहाँ तेरी बुच मारने आए हैं? कमीने का मसल कर रख दो, जाओ। पीछे हट जाओ सालो। इसे जाने दो वरना जलाकर राख कर दूंगा। आप क्या करेंगे? हमें अलग होना होगा। वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा। नहीं बॉबी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्ले, तुम इन्हें लेकर घर जाओ। मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है बॉबी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है, तुम हमारे साथ रहो। मगर क्ले, तुम आगे वाली सीट पर आ जाओ फौरन। बॉबी देखो, ये सरासर पागलपन है। हनी देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम घर जाकर मेरा इंतजार करो। ओके, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगा। क्ले, यहां से सीधे घर जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना, किसी पर भी भरोसा मत करना। तुम कहां जा रहे हो? अपने पुराने यार से मिलने। निकलो जल्दी। साले, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? पहले तूने मुझे वोडका के दो केस कम भिजवाए, या तो मार भिजवा या फिर फ्राइडे तक मेरे पैसे वापस कर दे। मैं क्या शक्ल से इतना बेवकूफ लगता हूँ जो सब मेरी बचाने की सोचते हैं? क्या चल रहा है टाइगर? ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम और यहाँ? एक इसी चीज की कमी थी। तुमसे कुछ बात करना है भाई, अकेले में। सुना तुमने बीबी, हम बरसों से नहीं मिले हैं और आज भी ये मुझ पर हुक्म छाड़ रहा है। हम अब नेवी में नहीं है बॉबी, और ना तुम मेरे सीनियर हो, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। क्या बात है, तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं? टाइगर जाओ, तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरे साथ डांस करोगे? नहीं शुक्रिया, बाहर में जाओ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बॉबी? तुम तो फैमिली वाले हो गए हो ना? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। मैं और डॉन हमारे पड़ोसी के साथ एक क्लब में गए और वहां मैं मुसीबत में फंस गया। कैसी मुसीबत?
क्या तुम सेठ नाम के किसी आदमी को जानते हो? बोर्डस? हाँ यार, वही। उसने मुझ पर मुंह मांगा इनाम रखा। तो तुमने ईथन को मारा? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। देख बॉबी, यार कोई भी होता तो चलता, मगर सेठ बोर्डस, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। टाइगर, तुम मेरे खर्चदार हो, ये शायद तुम्हें याद ना हो, पर मुझे याद है। देख बॉबी, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, समझने की कोशिश कर। I'm sorry. शायद तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हारे हिस्से की गोली खाई, तभी तुम यहाँ बैठकर रैश कर रहे हो। हाँ, मुझे सब याद, मगर तू सब भूल गया। इतने दिनों तक कहाँ था तू? तूने शादी कर ली, तेरी एक बेटी भी है, कभी तूने मुझे उनसे मिला? कभी नहीं। और आज जब तेरी गर्दन तलवार के धार पर है तो कह रहा है यार टाइगर मेरी मदद करना, बड़ा मतलब ही है तू। पहले कभी इस दोस्त की याद नहीं आई तुझे? हाँ, बात करता है, अब दफा हो जाए यहां से, वरना मैं ही तुझे सेठ के हवाले करके इनाम ले लूंगा। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे तुम्हारे साथ आए? नहीं नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारे घर आ जाना, और बॉबी की कोई भी खबर आए तो हमें जरूर बताना। ठीक है, जरूर बताऊंगी। बाय। तुम्हें ये सब कुछ इसी वक्त रुकना होगा सेठ, उसे जाने दो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस बॉबी कैलानोस्की के घर का पता चाहिए। I'm sorry, सेठ, मैं नहीं दूंगा। ओह, तो अब मैं क्या समझूं? एक बेईमान पुलिस वाले का अचानक जमीर जाग गया है? देखो, मुझे उस बॉबी के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। वह 10 साल तक डिफेंस में काम कर चुका है। तो तुम कहना चाहते हो कि वो एक फौजी था और मैं उससे डर? नहीं, मैंने उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया, वो एक नेवी सील था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था और क्या है। उस कमीने ने मेरे भाई को मारा है और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम समझ नहीं रहे हो एक नेवी सील का मतलब क्या होता है। लाखों में कोई एक इस पद के लिए चुना जाता है। जहां तक तुम्हारे आदमियों की बात है, ये उन सब का बाप है। ऐसे कई लोगों को मैंने मौत के घाट उतारा है। नहीं, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। देखो, इस बेकार के मामले में मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, समझे? चुपचाप मुझे उसका एड्रेस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी अंडर टेबल इनकम के बारे में बवाल कर दूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जानता हूं तुम कुछ भी कर सकते हो। तो फिर बता दो। 6808 साइकमो। और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। डिकेन, प्लान में थोड़ा चेंज है। चांस नहीं है, आज तक मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं गया, समझे बरखुरदार? इतने सारे मर्द एक मर्द के पीछे, ये तो नाइंसाफी। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम लोग कहीं नामर्द तो नहीं। क्या कहा, जरा फिर से बोल। Come on!
मेरे को। बस बहुत हुआ। बॉर्डर्स को ये जिंदा चाहिए। सॉरी बॉबी, मुंह मांगा इनाम, लाइफ बन जाएगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मतलब ये तेरी चाल है? तूने मुझे धोखा दिया। ए, इसे ठीक से पकड़ो। ये दिखने में भोला भाला लगता है मगर साला है बहुत खतरनाक। अपनी औकात पर आ गया तू। मैं बेवकूफ था जो तेरे लिए गोली खाई। बात गई। देख, इससे पर्सनल मत लेना, ये बस एक बिजनेस है। साला तकाबाज कहीं का, तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ना चाहिए था। जानता है तू अभी तक उसी पुराने जमाने में जी रहा है। चलता हूं भाभी। तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज रही नहीं क्या? मेरे अंदर बहुत इंसानियत है। मैं तेरे लिए अपनी जान पर खेल गया था। अब मार खा ले साले, तुझे सिर्फ मार रहा हूं। इसे छोड़ दो। क्या? मैंने इरादा बदल दिया, इसे छोड़ दो। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा मैंने इरादा बदल दिया, इसे जाने दो। तो तुम भाड़ में जाओ। मैं भाड़ में जाऊं? हाँ, इसको मैं लेके जा रहा हूँ। इसे तू लेकर जाएगा? हाँ, हाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ। नहीं लेकर जाएगा। इस पर मुंह मांगा इनाम रखा हुआ है और इसे मैं लेकर जाऊंगा। साले तुझे हिंदी समझ में नहीं आता। साले तू हिंदी में बोल या गुजराती में, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं इसे ले। साला मुझे बोलता है भाड़ में जा, मैंने सोचा हम दोस्त है। क्या तुझे माफ कर दूं? इस हरकत के लिए तुझे माफी नहीं मिलेगी। साला टाइगर से टकराएगा। चिंगर लोग, तो बताओ पहले कौन मरेगा? वही पुराना वाला टाइगर। हाँ, चल अब निकल यहां से। मैं ये लोग को यहां से कहीं नहीं हिलने दूंगा। शुक्रिया भाई। ए, ये कोई मेहरबानी नहीं है, हिसाब चुकता। हनी बेबी, मुझे बॉबी की बड़ी चिंता हो रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाता। डैम इट बेबी क्ले, थोड़ी देर सो जाओ। ओके, मुझे लग रहा है मैं जैसे कायर हूं, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। बेबी तुमने मदद की, तुम हमें यहां सुरक्षित ले आए। तुमने देखा बॉबी उन गुंडों से कैसे लड़ा? वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। वो एक आर्किटेक्ट वगैरह नहीं है, एक ट्रेंड किलर है। Thank you.
शुक्र है तुम ठीक हो। वहाँ क्या हुआ यार? पहले ये बताओ कि डॉन कैसी है? वो अंदर है, बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम्हें बाइक कहाँ से मिली? फिलहाल तुम घर जाकर सो जाओ, सारी कहानी मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। ओके ओके, हम सुबह मिल रहे हैं, मुझे हर एक बात बताना। ठीक है, गुड नाइट बॉबी। वाह क्या आदमी है। तुम आ गए, वो ब्रायना को ले गए। कौन थे वो? वही दो लोग जिन्हें हमने क्लब में देखा था। सेठ के आदमी? हाँ, वो कह रहे थे वो ब्रायना को मार देंगे अगर तुम उसे बचाने नहीं गए। कहाँ गए वो लोग? वो उसे ब्रिज के पास वाले डॉक पर ले गए हैं। जॉन से मार दूंगा। नहीं रुको बॉबी, रुको, मेरी बात सुनो बॉबी, रुको बॉबी, बात को समझने की कोशिश करो। हम पुलिस को फोन करते हैं, तुम मत जाओ। बॉबी देखो मेरी बात सुनो, डिटेक्टिव ब्रिक्स को फोन लगाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हनी चुपचाप घर में जाकर बैठ जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। समझने की कोशिश करो बॉबी, तुम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। डॉन मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ चुपचाप घर में जाकर बैठो। देखिए शांत हो जाइए, मुझे सारी बात बताइए।
मेरे डैड यहाँ आएंगे और तुम सबकी बैंड बजा देंगे, साले गंजे। ऐसा नहीं होगा। बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं? मैं गंजा नहीं हूँ, ये आजकल का नया स्टाइल है। तुम्हारे बाप की स्टाइल है क्या? नहीं तो। जल्दी से गेट खोलो। तो कोई इज्जत ही नहीं, बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, हम लोग बेवकूफ लगते हैं क्या? हटो। हेलो स्वीट हार्ट, मेरा नाम सेठ है, मैं तुम्हारे डैड का दोस्त। मुझे लगी है। आई एम सॉरी डियर, तुम कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तो मैं यहीं कर लूंगी। लेकिन इसे ले जाओ। इस तरफ चलो। सब अपनी पोजीशन में है ना? यस सर। गुड। चलो यहीं करो। थैंक्स। ए, जरा वहां देखो। हाँ देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये स्टाइल मेरे डैड का है। बच के कहाँ जाएगी? चल। ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? इस लड़की ने बराबर बीच में लात मारी और यहां से भाग रही थी। पागल कहीं। मैं तुम्हें बता दूं डीकन, अगर इसने दोबारा भागने की कोशिश की तो अब की बार वहां लात नहीं गोली मारूंगा, समझ गए? बेवकूफ कहीं का। बहुत जोर से मारा यार। ज्यादा हिलो मत। मुझे लग रहा है। भी क्या जल्दी है? इस लड़की का मुंह बंद करो। उसे छोड़ दो। ऑफिसर ब्रिक्स, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। मैंने कहा उस लड़की को छोड़ दो। मैं ढुल्ले लोगों की बात नहीं सुनता हूँ। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम वही काम करो जो तुम्हारे लायक है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। एक बच्ची को उठवा लिया, किडनैप किया उसे। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम खुद को क्या समझते हो? एक पुलिस वाले का जमीर जाग गया है, हीरो बनने आया है। सेठ, जहां तक दो नंबर के धंधे की बात है समझा जा सकता है, पर एक बच्ची को किडनैप करके तुम हद पार कर चुके हो। अच्छा, इस लड़की के बाप की वजह से मेरा भाई मर गया, बदले में वो भी तो मरना चाहिए? इस लड़की का बाप एक सच्चा योद्धा है और तुम्हारा भाई एक नंबर का हरामखोर। कितना बड़ा फर्क है दोनों में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हरामखोर बुलाने की? कम ऑन सेठ, तुम्हारा भाई ऐसा कमीना था जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी से खेलता था, यहां तक कि तुम्हारी भी। अब बस करो। तुम्हें क्या लगता है निकी विलकॉक्स को किसने बताया कि तुम्हारे क्लब में ड्रग्स है? मैं बताता हूँ, वो ईथन था। ईथन ने ही सारी बात निकी को बताई और ये तुम्हारी खुशनसीबी थी कि निकी को फोन पर मैं मिला। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो ब्रिक्स। ईथन बॉर्डर्स हमेशा से बड़ा भाई बनना चाहता था, तुम्हारी जगह लेना चाहता था,
और सच कहूं तो वो तुम्हारा भाई कहलाने के भी काबिल नहीं था। दरअसल बात यह है कि वो तुम्हारी छत्र छाया में रहकर इतना बीमार हो गया था कि वो अपनी ही जान का दुश्मन बन गया था। सेठ, तुम्हारा भाई तो बस करो। ईथन मेरा भाई नहीं था। क्या? वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा बेटा था, मेरा बेटा। सुना तुमने, मेरा बेटा था। 16 साल की उम्र में मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके माँ बाप बच्चे को गिराना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। इसलिए जब ईथन पैदा हुआ, हमने उसे ले लिया और उसने सबको कह दिया कि वो उसका बेटा है। तो तुम समझ रहे हो ब्रिक्स, मैंने उस बेटी को किडनैप किया है जिसके बाप ने मेरे बेटे की जान ली है। ये बिल्कुल जायज है। सेठ, किसी को मारने से तुम्हारा बेटा वापस तो नहीं आएगा? मैं ये मामला सुलझा सकता हूँ। ज्यादा देर नहीं हुई है, उसे मुझे सौंप दो और फिर हम अपना पुराना काम शुरू कर देंगे। बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है, ठीक है, ले जाओ उसे। डरो मत बच्चे, तुम सेफ हो, बहुत जल्द घर पहुंच जाओगे। मैंने झूठ बोला साले। ये पुलिस वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बोर्डर्स, अगर मेरी बेटी 5 सेकंड में आजाद नहीं हुई तो मैं तुझे इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। अपनी गन नीचे फेंक दे वरना मैं तेरी बेटी का गला काट दूंगा। काट डाल। क्या? मैंने कहा काट डाल, फिर मैं तुम्हारे बॉस को उड़ा दूं। निशाना बिल्कुल आंखों के बीच में। उसे छोड़ दो डिकन, जाने दो उसे। मुझे पता था आप मुझे बचाने आएंगे। तुम ठीक तो हो ना बच्चा? हाँ ठीक हूँ। हाँ तो मेरे सच्चे योद्धा, तुम मुझे मारोगे? ये तुम पर डिपेंड है। मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहे तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। तुम जीते। अपने आदमियों से कहो कि मेरे रास्ते में ना आए। ध्यान से सुनो, बॉबी अब आजाद है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। लेट्स गो बेटा। जाकर खत्म कर दो उन्हें। मेरी बात सुनो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए छुपना होगा। oh, मैं जानता हूं बेटा, आई एम सॉरी। तुम यहाँ सेफ। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैडी। सबकी बैंड बजा दीजिए। मिले या नहीं? मिल गया, समझिए। बॉबी को हमने ब्रिज पे घेर लिया है।
लेकिन लड़की उसके साथ नहीं। समझिए मतलब क्या, अगर वो नहीं मरे तो तेरी मौत पक्की है। यस सर। जाओ। ऐसा ही समझो। कैसी हो तुम स्वीटहार्ट? थैंक्स टाइगर। अच्छा हुआ तुम आए, लेकिन आने में इतनी देर क्यों की? टाइगर क्लाइमेक्स नहीं आता। ए, तू अपनी बेटी को ले आ, इस डेड पसली को मैं देखता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब इससे निपटना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? हाँ वो तो है, तू गया रे। तुम्हें इसकी जरूरत है? तेरे लिए मेरे हाथ ही काफी है। सिर्फ तू बचा, छोड़ दे उसे। नहीं, मैंने कहा छोड़ दे। नहीं, ईथन के बदले मैं इसकी जान लूंगा। क्या? नहीं बॉस, मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने खुद अपनी मौत को ताबत दी। चल अब, चल अब। ठीक है, आज मैं भी तो देख लूं क्या कर लेगा तू। हम दोनों को मार देगा। नहीं, सिर्फ तुम्हें। डैडी, सब ठीक है। चलो।
आओ। ब्रायन, ये मेरा दोस्त टाइगर। टाइगर, ये मेरी बेटी। मिलकर खुशी हुई। तो मिला ही दिया। मेरे दोस्त, शुक्रिया। तुमने हिसाब बराबर कर दिया। नहीं, हिसाब बराबर नहीं हुआ। मैंने अब तक तुम्हारी जान 3 बार बचाई और तुमने सिर्फ एक ही बार। याद कर, मैंने तुझे पार्क में बचाया था, फिर मैंने तुझे उन 2 मुस्टंडों से बचाया, और फिर इस निंजा से बचाया। अब तू मुझे बचाएगा तो हिसाब बराबर होगा। क्या कहा? पार्क में? अरे पार्क में तो तुम्हारी ही सेटिंग थी। हाँ, फिर भी एक बाकी है। कौन है ये? जंग का पुराना साथी है बेटा। ऐसे तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। पर आप उससे अच्छे हैं। उसके टैटूज लाजवाब है, मुझे भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज डैडी, कम ऑन। हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज, एक छोटा सा। Wrong side, wrong side of town. Vote a Cal Mac, Billy nigga, catch a couple rounds on the wrong side, wrong side of town. Nigga, you on the wrong side of town. They say I killed him, nigga, they say I stabbed him, homie, but it was self-defense, he was asking for it. Oh, hating ass nigga, run away, sent the nigga on his way. Now it's paper on my face, yeah, it's paper on my face. They ain't up in my waist, got the whole hood hot. Yeah, I'm blowing out a trace. I'm posted in the corner. They got a nigga stuck. Harry in a pair of ropes. It's a cherry red chuck. It's a cherry red chuck. Big dog do his thing in that 6-4 rag. Niggas know I can't bang. Trying to fill me up with lead. These niggas want me dead. They was hanging from my head, but they hit me in the leg. It's murder, murder, murder. Kill, kill, kill. I was raised in the gutter. All I do is clap still. So love keep coming. I'ma gun they ass down. But for now, they got me on. Wrong side, wrong side of town. I'll hit your ass up if you're slipping out of bounds on the wrong side, wrong side of town. Keep playing around here, get your ass laid down, homie. Wrong side, wrong side of town. For the Cal Mac Millie, nigga, catch a couple rounds on the wrong side, wrong side of town. Yeah, nigga, you wrong side of town. Low key, ride through the hood in the Nova. Pushing in boulders, nigga, I'm a little soldier, hit him up. Big homie told me go and flip him over, rip him up. Get the clap and sip him like a thriller jacket. They caught a nigga slipping behind enemy lines. And I'm running out of bullets like I'm running out of time. My 9 just jammed, and I'm a hitman. Now a nigga hang his job, kinda like the homie Cam. They got me trapped off Washington in the Oaks. They chasing nigga down all through the liquor stuff. I crept out the back, threw away the cat. Had to jack the Japanese bad boys back. It's home sweet home, a damn killer Cali. Got a nigga feeling like Trey in that alley. A boy in the hood on the come up. Word to my little homies, never put your gun up. When you on the wrong side of town. I'll hit your ass up if you're slipping out of bounds on the wrong side of town. Keep playing around here, get your ass laid down, homie. Wrong side of town. For the Cal Mac Millie, nigga, catch a couple rounds on the wrong side of town. Nigga, you on the wrong side of town. Yeah, big dog, riding through that city slow, 2 miles per hour. Nigga, you see that 6-4, 17.99 days, homie. Smile for the camera, you know they hate, homie. I'm a $1 million motherfucking nigga. That's why I keep my finger on the techno trigger. Yeah, it's so rude. Niggas can feel the pain. That nigga game know about the Dina Diver lane. He know about that F1, snitching 4 ways. Red line, flat line. Nigga, it's all the same. I don't love these homes, so when they trip my bitch, be a 45th in a presidential zip. They say I got the swag and Biggie in the fridge, it's a boss bird. Oh shit, it's the resurrection of 4-bit. No tint on my phone, no sense in my brain. So run up on my shit and feel that pain. On the wrong side of town. I'll hit your ass up if you're slipping out of bounds. On the wrong side of town. Keep playing around here, get your ass laid down, homie. Wrong side of town. Vote a Cal Mac Millie, nigga, catch a couple rounds on the wrong side of town. Nigga, you on the wrong side of town.